हाय गाइस, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके साथ ये छोटी छोटी बुनाई का डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने कार्डिगन बनाया है और इसका डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, तो मैं अब करूँगी। तो देखिए, ये बहुत ही बारीक बुनती का डिज़ाइन है और टोटल 4 रो का डिज़ाइन है। जब भी हम फंदे कास्ट ऑन करेंगे तो 3-3 के मल्टीपल में करेंगे इसके लिए। ये देखिए, 3-3 की गांठें बनी हुई हैं। तो मैंने इसका बॉर्डर नहीं बनाया है, मैंने क्रोशेट किया हुआ है और साइड में ये बटन पट्टी है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप इसके फ्रंट वाले फंदे डालोगे तो आप ऐसे एक चैन का फंदा साथ में डाल लेना। उससे क्या होता है कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। जो हमारी बटन पट्टी बनती है उसके साथ साथ ये चैन चलती है तो और डिज़ाइन अलग से उभर के आता है ऐसे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे मैंने इसका ये नेक बनाया हुआ है और नेक के अराउंड ही मैंने क्रोशेट किया हुआ है, तो बहुत प्यारा डिज़ाइन है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने ये टोटल 14 फंदे डाले हैं। 12 फंदे मैंने डिज़ाइन के लिए डाले हैं और 2 फंदे मैंने एज स्टिच रखे हैं दोनों साइडों में। तो 3-3 के मल्टीपल में फंदे डाले हैं मैंने। तो बुनना शुरू करते हैं। पहला फंदा स्लिप कर लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट रो है, पहली रो हो जो आएगी हमारी सीधी आएगी। सीधी तरफ से पहली रो सीधी, यहीं से हमारा डिज़ाइन बनना शुरू हो जाता है। जब आप अपने प्रोजेक्ट पर के अनुसार फंदे डालोगे तो आप एक बात का ध्यान रखना कि मैं ये ट्रिक बताऊंगी आपको एक। इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो उल्टी तरफ से भी हम सीधी सिलाई ही बनाएंगे। ये हमारी उल्टी साइड से आ गए हम, इसको भी हम सीधा ही बनाएंगे ऐसे। दोनों तरफ से हमारा सीधा सीधा ही आएगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ये लास्ट का एज स्टिच हम सीधा बुन लेते हैं। अब हम आ गए हैं थर्ड रो पे सीधी तरफ। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, आगे वाले 3 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे। 1, 2 और ये 3। सिलाई पीछे से कर लेंगे, इसको थोड़ा सा ढीला करके पहला फंदा बुना, धागा अपनी तरफ कर लेंगे और एक बार फिर से इन 3 फंदों को बुन लेंगे और साथ में जो ये धागा जाएगा उसी के साथ हमारा 3रा फंदा भी कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। देखिए, ये तो हमारा एज स्टिच है और ये 3 फंदे हमारे दोबारा से बन गए हैं। देखिए 1, 2 और 3, फिर से वही प्रोसेस। 3 फंदे लेंगे और 3 फंदों को ढीला करके थोड़ा सा हम एक साथ बुन लेंगे। फंदा थोड़ा सा ढीला कर लेना है हमने, एक बार बुना, फंदे नहीं निकालेंगे हम। फंदों को दोबारा सिलाई पर ले लेते हैं और धागा अपनी तरफ कर लेंगे, फिर से एक बार 3 फंदों को फिर से बुनेंगे। जब ये धागा हम ओवर करते हैं तो हमारा 3रा फंदा बन जाता है ऐसे। देखिए 3 फंदे हमारे फिर से बन गए, 1, 2 और 3। ऐसे ही हमको करते जाना है। फिर से 3 फंदे लेंगे, 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे, 1, धागा अपनी तरफ, यार्न ओवर करेंगे तो 3रा फंदा भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
यहाँ पर कम नहीं होते, हमारे फंदे तीन के तीन ही बन जाते हैं और लास्ट के तीन फंदे भी हम इसी तरह से बुन लेंगे। एक फिर से बुनेंगे, और ये हमारा हो गया फिर से तीन फंदे। ये देखिए एक दो और तीन, लास्ट का फंदा है जो हम उसको भी सीधा ही बुन लेंगे। अब हम आ गए हैं इस डिजाइन की लास्ट और फोर्थ रो पे। पहला फंदा स्लिप कर लेते हैं, ये हमारा एज स्टिच है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, और ये फंदा भी हम बुन लेंगे। एक दूसरे ये इस सेंटर वाला फंदा बुनेंगे, दो फंदे हमने बुन लिए, पहले दो फंदे बुन लेंगे इस सेट में से, और अगले सेट में से पहला फंदा लेंगे। ऐसे पहला फंदा लिया और पिछले सेट में से एक फंदा जो बचा था उसको बाद में बुन लेंगे, और दोनों के साथ स्लिप कर देंगे। ये हमारा सेंटर वाला फंदा है, इसको हम ऐसे बुन लेंगे, और इस सेट में से एक फंदा बच गया तो क्या करेंगे, अगले सेट में से पहला फंदा ले लेंगे। पहला फंदा लिया, अब बाद में जो पिछले सेट वाला फंदा बचा था उसको ले लेंगे और दोनों को एक साथ गिरा देंगे। ये सेंटर वाला फंदा हो गया, इसको उल्टा बुन लेंगे। इस सेट वाला एक फंदा बचा है हमारे पास, इसके बाद हम दूसरे सेट में से पहला फंदा लेंगे। ऐसे लिया, बाद में पिछले सेट वाला फंदा, और दोनों को एक साथ गिरा दिया। अगले दोनों फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। ऐसे लास्ट का फंदा बुन लिया, तो हमारा पैटर्न पूरा हो चुका है। आप देखिए ये डिज़ाइन बन चुका है। वैसे अभी मैं आपको एक और पैटर्न बताऊंगी तो उसमें कंप्लीट होगा कि नज़र आएगा अच्छे से। पहला फंदा एज स्टिच स्लिप कर लिया, फिर से हमारे ये पैटर्न यहाँ से शुरू होता है सीधी सिलाई से, ये रो हमारी सीधी ही जाएगी। तो करना क्या है, जब आप अपने प्रोजेक्ट में फंदे डालोगे तो इसके साथ जब भी आप अपनी सेट करना चाहते हो कितने फंदे अपने रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग ही डालना चाहते हो, 100, 120 या कम ज़्यादा, तो आप क्या करोगे कि 10 फंदे एक्स्ट्रा लेंगे, तभी ये डिजाइन सेट होता है। ये मेन ट्रिक है इसकी, क्योंकि जब हम डिज़ाइन डालते हैं तो देखिए हमारा आगे पीछे, हम आगे पीछे करके बुनते हैं तब हमारे फंदे टाइट हो जाते हैं। इसमें स्टिचेबिलिटी कम है इस डिज़ाइन में, तो इसलिए हमको 10 फंदे एक्स्ट्रा लेने पड़ते हैं डिज़ाइन सेट करने के लिए, यही इसकी मेन ट्रिक है। तो ये मैंने खुद किया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आप अपना ये पैटर्न सेट करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये उल्टी तरफ से भी हम सीधा सीधा बुनेंगे जैसा कि हमने पहले बुना था। लास्ट का हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए अब नज़र आ रहा है आपको। बस आपको करना क्या है कि अपनी रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग फंदे डाल लेने हैं और डिज़ाइन सेट कर लेना है। पहले तीन फंदे एक साथ लेंगे, देखिए एक साथ लिए, तीनों को एक साथ बुनेंगे और तीन फंदे बना लेंगे। फंदा ढीला कर लेंगे, पहला फंदा ढीला सा किया, यार्न ओवर करेंगे और एक फंदा फिर से बनाएंगे ताकि हमारे तीन फंदे फिर से कंप्लीट हो जाएं। ऐसे ये देखिए हमारी ये तो एज स्टिच है और ये तीन के तीन फंदे हमारे बन गए। फिर से वही रिपीट करेंगे, तीन फंदे एक साथ लेंगे, ऐसे ढीला किया, यार्न ओवर और फिर से एक फंदा बना लेंगे। ये हमारे फिर से तीन के तीन फंदे बन गए, दूसरा सेट हो गया।
फिर से अगले तीन फंदे लेंगे। पहला फंदा बनाया, धागा ढीला किया, यार्न ओवर करेंगे और फिर से बुन लेंगे ऐसे। ये भी हो गया। लास्ट के तीन फंदे लेंगे। एक, दो और ये तीन, तीनों के एक बार बुना, फिर से यार्न ओवर और एक फंदा फिर से बना लिए। ये फिर से हमारा सेट कंप्लीट हो गया। लास्ट का एज स्टिच हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए ऐसे पहले बनते हैं। जब हम तीन दिन का सेट बनाते हैं तो ऐसे नज़र आता है। अब उल्टी साइड आ गए हम। पहला फंदा एज स्टिच है, इसको स्लिप कर लेंगे। सेट में से पहले दो फंदे उल्टे बन लेंगे। दो फंदे उल्टे बनेंगे, दो बन गए। इस सेट में से एक फंदा मैंने छोड़ दिया है। अगले सेट में से एक फंदा लूँगी, उसको पहले बुनूँगी और पिछले सेट का जो फंदा था उसको बाद में बुनूँगी। सेंटर वाला फंदा उल्टा, अगले सेट में से पहला फंदा लिया, पिछले सेट वाला फंदा लिया अब, और दोनों को एक साथ गिरा देंगे। सेंटर वाला फंदा हमेशा हमारा उल्टा ही आएगा, इसको उल्टा ही बुनना है। अगले सेट में से पहला फंदा लिया, अब पिछले सेट में से पहला फंदा लास्ट का फंदा लेंगे और गिरा देंगे। सेंटर वाला फंदा हमारा उल्टा ही आएगा और लास्ट में जो बचेगा उसको भी हम उल्टा ही बना लेंगे। ये हमारे दो पैटर्न कंप्लीट हो चुके हैं इस डिज़ाइन के। तो देखिए ऐसे नज़र आते हैं बन के। देखिए ये तो मैंने थोड़े फंदों में आपको बताया है। जब आप ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग फंदे बनाओगे तो रेडीमेड डिज़ाइन लगता है, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि हैंडमेड है, तो बारीक डिज़ाइन है। तो देखिए आपको मैं दिखाती हूँ मेरा प्रोजेक्ट कैसे नज़र आता है। ये देखिए कितना सुंदर, ये मैंने स्टिच किया हुआ है और रो टू रो मैच करके मैंने सेट किया है ये। अगर आपको मेरा डिज़ाइन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो ऑल वाला बेल आइकन है ना उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है नए नए डिज़ाइन बनाने का। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।